दर्शकों, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रत्याशी जो है अनीस अहमदी ने एक मिनट का जो है देरी होने से उन्हें फॉर्म भरने से रोका गया है। नामांकन दर्ज करने की आज आखिरी तारीख है और इस प्रकार से जो है काफ़ी बड़ा जो है नुकसान अनीस अहमदी का हो चुका है, जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं। बड़ी खबर जो है नागपुर की सियासत से सामने आ रही है। आइए जानते किस प्रकार की स्थिति, यहाँ तनावग्रस्त परिस्थिति निर्माण हो चुकी है। आइए लेते हैं जायजा। दर्शकों, जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं काफ़ी तनावग्रस्त स्थिति यहाँ निर्माण हो चुकी है। नागपुर मध्य में जो है नामांकन दर्ज करने अनीस अहमद आए थे, मात्र एक मिनट की देरी उन्हें हुई है और नियमानुसार 3 बजे तक जो है नामांकन दर्ज करने का समय था। उसके बाद जो है नामांकन दर्ज करना बंद हो चुका था और आज आखिरी तारीख है और आखिरी तारीख में ही, आखिरी समय में ही इतना बड़ा जो है, समय ने बोल सकते हैं धोखा किया है या बोल सकते हैं देरी से वो पहुँचे, इसलिए कहीं ना कहीं जो है आज मध्य नागपुर से उनकी जो है नामांकन दर्ज करने का सपना यहाँ फुल स्टॉप लगता हुआ नजर आ रहा है। ये देखना काफ़ी रोचक रहेगा कि इस प्रकार की स्थिति किस प्रकार से जो है मध्य नागपुर में निर्माण होती है। तो दर्शकों, नागपुर की सियासत में काफ़ी दिलचस्प मोड़ आ चुका है। अनीस अहमद जो कि वरिष्ठ नेता है वंचित बहुजन आघाड़ी के, साथ ही साथ मध्य नागपुर से नामांकन भरने वो आए थे, कुछ समय की देरी उन्हें हुई है और कुछ समय की देरी के कारण उन्हें बाहर बिठाया गया है। कहा तो ये जा रहा है कि 2 व्यक्ति उनके अंदर थे जिन्होंने की दस्तावेज की पूरी प्रक्रिया पूर्ण की है, लेकिन ये देखना काफ़ी रोचक रहेगा कि उन्हें मध्य नागपुर से फॉर्म भरने दिया जाता है या उनका फॉर्म जो है स्वीकृत होता है या मध्य नागपुर से जो है प्रतिस्पर्धियों की संख्या कम होती है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं मनीष टेमरे, महाराष्ट्र TV24 नागपुर।